यह है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद में चुनार से राजगढ़ मार्ग पे स्थित सक्तेशगढ़ में स्थित है ये रेलवे क्रॉसिंग। और जब से पक्का पुल बना है सोनभद्र की तरफ जाने का मार्ग, मेन मार्ग एक प्रकार से कहा जाए तो यही हो गया है। परिणाम हो रहा है कि यहाँ पे मालगाड़ियों का आवागमन ज़्यादा है, चूँकि सोनभद्र से ये कनेक्टेड है, कोयले वाली गाड़ियाँ इस रूट से ज़्यादा जाती हैं, तो हमेशा यहाँ पे एक लंबा सा जाम लग जाता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लाइन कैसे लगी हुई है गाड़ियों की, वो आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए यहाँ ये छत्तीसगढ़ की तरफ से आई हुई गाड़ियों की लाइन लगी है, और ये फाटक बंद है, और इधर गाड़ियाँ संडे वाले दिन और भी लंबी लाइन लग जाती है इस क्रॉसिंग पे। तो क्षेत्रीय विधायक एवं रेल मंत्रालय से मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ पर भी शीघ्र ही आरओबी का निर्माण प्रस्तावित जरूर किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में और भी समस्या गहरी होती जाएगी जाम की इस स्थल पर, क्योंकि आगे ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है सिद्धनाथ की दरी और स्वामी अड़गरानंद जी का परमहंस आश्रम। संडे वाले दिन तो और भी भयानक लाइन लगती है, यहाँ पे जाम लगता है। आइए मैं आपको जाम का थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ। ये इधर है ये छत्तीसगढ़ की तरफ से आई हुई गाड़ियों की लाइन, और इधर है ये चुनार की तरफ जाने का रास्ता। ये शाम का समय है, आज मंगलवार है, यही रविवार का दिन रहता तो आपको काफ़ी एक एक दो दो किलोमीटर तक लंबी गाड़ियों की लाइन दिखाई पड़ती है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पर भी एक आरओबी का बनना अति आवश्यक हो गया है, मालगाड़ियों का आवागमन ज़्यादा है। चुनार में पक्का पुल बन जाने के कारण इस रूट पे गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, आवागमन ज़्यादा बढ़ गया है। रविवार के दिन बहुत ज़्यादा समस्या और भी गहरी हो जाती है इस रूट पर। और ये है इस तरफ छत्तीसगढ़ का रेलवे स्टेशन, गाड़ी आ रही है। अब मैं अपने कार्यक्रम को ब्रेक करता हूँ, धन्यवाद।